हेलो एवरीवन, आज हम हरिहर काका इस कहानी के सभी प्रश्न कर रहे हैं। इसमें आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस बताऊंगी। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हरिहर कहानी जो है इसके लेखक कौन हैं। तो लेखक जो हैं वह हैं मिथिलेश्वर। आप ध्यान रखिएगा, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है। तो उनके मन में जो है, गांव वालों के मन में क्या है, अपार श्रद्धा है। तीसरा प्रश्न आता है, ठाकुर बारी के गांव के लोगों ने मंदिर कैसे बनवाया था। तो मंदिर कैसे बनवाया था, चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। उसके बाद प्रश्न आता है, गांव के लोग अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं। तो ठाकुर बारी जी को वो अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है, ठाकुर बारी जी को दिया जाता है। प्रश्न आता है, ठाकुर बारी में लोग अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते हैं। तो कुछ लोग रुपए देते हैं, कुछ लोग जेवर देते हैं। तो इस तरह से इसका संबंध हो गया इससे, यानी श्रद्धा का संबंध रुपए और जेवर सभी से है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ठाकुर बारी के नाम पर कितने खेत हैं। तो खेत जो हैं वो हैं 20 बीघा। प्रश्न आता है, गांव वालों की अपार श्रद्धा से उनकी कौन सी मनोवृत्ति का पता चलता है। मनोवृत्ति यानी कि मन की भावना। तो मनोवृत्ति क्या है, यहाँ कैसी प्रवृत्ति है उनकी, धार्मिक विश्वास की। ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आता है कि महंत और हरिहर काका के भाई एक ही श्रेणी के क्यों हैं। क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही दुर्व्यवहार करते हैं और दोनों ने जमीन हथियाने का षड्यंत्र किया। तो एक ही श्रेणी कैसे है दोनों की, ये वाली। उसके बाद प्रश्न आता है, महंत ने हरिहर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया। तो महंत ने हरिहर काका की जो परिस्थिति थी, पारिवारिक नाराजगी जो थी, उसका उन्होंने लाभ उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंत ने हरिहर काका को किस आधार पर ब्लैकमेल किया। तो उन्होंने धर्म के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया था। इसके बाद प्रश्न आता है, कथावाचक और हरिहर काका में क्या संबंध है। क्या संबंध है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको प्रश्न आते हैं, मैंने साथ ही आंसर यहाँ पर बताए भी हैं, तो आप आंसर देख सकते हो। दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, हरिहर काका कथावाचक को कैसे घुमाया करते थे। कैसे घुमाया करते थे, कंधे पर बिठा करके। प्रश्न आ जाता है कि हरिहर काका की संपत्ति के दावेदार कौन थे। तो दावेदार दोनों थे, महंत और हरिहर काका के भाई। प्रश्न आ जाता है, हरिहर काका और कथावाचक आपस में कैसे बातें करते थे। प्रश्न आता है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया होती तो उनकी स्थिति कैसी होती। उनकी स्थिति वास्तविकता का सबको पता चलता और उनकी स्थिति बेहतर होती। प्रश्न आता है कि हरिहर काका की कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है, स्वार्थी और हिंसक वृत्ति को बेनकाब करना।
ये वाला सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, पुलिस के जवान हरिहर काका की सुरक्षा के नाम पर क्या करते थे? मौज मस्ती के क्या करते थे? प्रश्न है, हरिहर काका की हालत की तुलना लेखक ने किसके साथ की है? तो जाल में फंसी हुई चिड़िया से उनकी तुलना की गई है। जैसे कोई शिकारी जाल में चिड़िया को फंसा लेता है, उसी प्रकार से हरिहर काका को फंसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिहर काका से कागजों पर अंगूठे कैसे लगवाए गए? जबरन धोखे से उनसे अंगूठे लगवाए गए थे। प्रश्न आता है, ठाकुर बाड़ी में पूजा पाठ के अलावा और क्या होता था? धन संपत्ति धर्म के नाम पर लूटी जाती थी। प्रश्न है, महंत कैसा व्यक्ति था? वो ठग और डाकू था। प्रश्न आता है, महंत लोगों को कैसे फंसाते थे? तो धर्म का भय दिखा करके और धोखे से, यानी कि दोनों काम क्या करते थे? सभी उत्तर सही है। प्रश्न आता है, संपत्ति के लिए अपने भी पराये हो जाते हैं, इससे क्या भाव है? तो भाव क्या है? संपत्ति जिसके पास होती है तो उसके कारण लोग स्वार्थी और लालची हो जाते हैं। तो उत्तर ए यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आता है, हरिहर काका के जीवन के शेष बचे दिन कैसे कट रहे थे? तो मौन रह करके वो चुपचाप रहते थे, मौन यानी चुपचाप रहना, और बोलने की सामर्थ्य वो खो चुके थे। तो यहाँ पर सही जवाब जो है ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हरिहर काका के भाई ने कैसा सुलूक किया? कैसा सुलूक किया उन्होंने? बहुत बुरा ही सुलूक किया था, और धोखे के साथ संपत्ति हड़पने की उनकी कोशिश की गई और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। यहाँ पर ये सही जवाब है। प्रश्न आता है कि इस कहानी में साधु संतों के किस रूप को दिखाया गया है? साधु संतों का कौन सा रूप था? तो यहाँ पर ठग और डाकू जो होते हैं वो दिखाए गए हैं। ठग और डाकू, डाकू प्रवृत्ति जो होती है ना, डाका डालने की प्रवृत्ति, वह इसमें दिखाई गई है। उसके बाद प्रश्न है कि हरिहर काका ने दो शादियां क्यों की? क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए, औलाद के लिए शादियां की थी दो। प्रश्न आ जाता है, हरिहर काका के परिवार के पास कितने बीघा खेत है? तो उनके पास 60 बीघा खेत है। प्रश्न आता है, प्रत्येक भाई के हिस्से में कितना बीघा खेत आया? चार भाई थे वो लोग, तो सबके हिस्से में 15-15 बीघा खेत जो है वो हिस्से में आया था। प्रश्न आता है, पहले दौर में महंत ने काका के साथ कैसा व्यवहार किया? तो सबसे पहले व्यवहार जो किया था वो सेवा सत्कार का व्यवहार किया था, और बाद में उनकी ज़मीन हड़पने के लिए उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, पहले तो उनके साथ चमचागिरी करके, उनकी सेवा करके उन्हें बातों में फंसा लिया, बाद में उनकी ज़मीन के लिए उनसे जबरन अंगूठे लगवाए गए। हरिहर काका की इस कहानी का एक तरह से ये सारांश है। यदि आप ये सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कहानी का सारांश समझ में आ जाएगा। और ये कहानी किस लिए बताई गई है? क्योंकि इस तरह के लोगों से समाज को बचाने के लिए ये कहानी बनाई गई है, ताकि लोग जो हैं किसी के चमचागिरी के जाल में ना फंसें और
इस प्रकार से कहानी के उदाहरण के द्वारा समाज में जो धोखाधड़ी चली हुई है लेखक ने यह बताने की इसमें कोशिश की है। अगर आपको किसी और चैप्टर की वन लाइनर्स क्वेश्चन की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए और मैं कोशिश करूँगी पब्लिश करने की। लेकिन मुझे आप थोड़ा पहले बताया करो, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन बताएंगे तो फिर हम इतना जल्दी क्वेश्चंस को प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो आप मुझे 2-3 दिन पहले आप यदि कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करके आपको उसके क्वेश्चंस या जो भी मटेरियल है प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही बेल बटन भी प्रेस करना है तो आपको पता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।